भी कवायद कुछ होते हैं, हर रिलीजियस के भी कवायद होते हैं। अब यहाँ जब पार्लियामान मौजूद है, आवाम मुंतखब करते हैं उनके वोटों से, तो इधर बड़े बड़े टेक्नोक्रेट, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े जो अपने आप को बड़े अल्लामा फाजिल समझते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में जाएंगे तो पब्लिक के पास रुजू करेंगे तो उनको वो रास्ता, पब्लिक का जो रास्ता है, अच्छा नहीं लगता। पार्टियां तो फिर भी अकाउंटेबल है अवाम को, अवाम के पास जाती हैं, अवाम उनको मुंतखब करती हैं और यही जाकर असेंबलियों में जाते हैं, वहाँ लेजिस्लेशन करते हैं। और पॉलिटिकल लोग जिंदगियों का बड़ा हिस्सा अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों की तालीम, वो इसलिए जो है पॉलिटिकल लोग वो करते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं, जो सब खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत के जज्बे से आते हैं। ये कहना कि ये सारे लोग फेल हैं, इन सारे लोगों ने कुछ नहीं किया, तो सर्वे की बात, लेकिन कभी गैलप सर्वे जो है, मैंने इन सर्वे को, ये जो सर्वे है, ये सर्वे जो है जहाँ होते हैं, मैं इन सर्वे को वो नहीं मानता है। ये वो बात है जब समंदर के बाहर बंदा खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाजा लगा, अंदर गोता लगाएगा, समंदर में उतरेगा तो उसकी गहराई का पता होगा। ये वो लोग हैं तो जो किनारे पे लड़के, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी इंटेलेक्चुअल्स की बात है ना, अब कौन सा इंटेलेक्चुअल है जो 2 करोड़ रुपया इलेक्शन के लिए रखता है? चलें वो उस पे आते हैं, वो तो बिल्कुल, इट्स अ बिजनेसमैन, इट्स नॉट अ सर्विस। देखिए हमें जो समंदर में, मैं इलेक्शन लड़ाऊं माजरत के साथ, मेरे 2 करोड़ रुपए नहीं लगे, मैं एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे अवाम ने, हल्के के अवाम ने मुझे इलेक्शन लड़वाया। ये तो आप हमारी बेइज्जती और तोहीन कर रहे हैं कि 2 करोड़, लेकिन सर आपकी तो सबको कह रहे हैं, तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, आप मुझे बताएं। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक हो गया, नहीं एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, इस छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन।